भारतवर्ष में भगवान कूर्म की स्थिति का वर्णन। कौस्तुकी ने कहा, भगवन, आपने मुझसे भारतवर्ष का भली भांति वर्णन किया तथा वहाँ की नदियों, पर्वतों और जनपदों को भी बतलाया। इसके पहले आपने यह कहा था कि भारतवर्ष में भगवान श्री हरि कूर्म रूप से निवास करते हैं, सो उनकी स्थिति कहाँ और किस प्रकार है, यह सब सुनने की मेरी इच्छा हो रही है। कूर्म रूपी भगवान जनार्दन किस रूप में स्थित हैं? उनसे मनुष्यों के शुभ अशुभ की सूचना कैसे मिलती है? भगवान कूर्म का मुख कैसा है और उनके चरण कौन हैं? ये सारी बातें मुझे बताइए। मार्कंडेय जी बोले, ब्राह्मण, कूर्म रूपधारी भगवान श्री हरि 9 भेदों से युक्त इस भारत वर्ष को आक्रांत करके स्थित हैं। उनका मुख पूर्व दिशा की ओर है। उनके चारों ओर 9 भागों में विभक्त होकर संपूर्ण नक्षत्र और देश स्थित हैं। उन्हें बतलाता हूँ, सुनो। मद्र, अरिमांडव्य, शाल्व, नीप, शक, उज्जिहान, घोष, संख्य, खस, सारस्वत, मत्तस्य, शूरसेन, माथुर, धर्मारण्य, ज्योतिषिक, गौरग्रीव, गुडाश्मक, उद्वेहक, पांचाल, संकेत, कंक, मारुत, कालकोटि, पाखंड, पारियात्र निवासी, कापिंजल, कुरुबाह्य, उदुम्बर तथा गजाह्य, ये मनुष्य भगवान कूर्म के मध्य भाग में स्थित हैं। कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा, ये 3 नक्षत्र उक्त स्थान के निवासियों के लिए शुभाशुभ के सूचक होते हैं। वृषध्वज, अंजल, जम्बू, मानवाचल, शूर्पकर्ण, व्याघ्रमुख, खर्मक, कर्वटाशन, चंद्रेश्वर, खश, मगध, मैथिल, पौंडु व नदंतुर, प्राग ज्योतिष, लौहित्य, सामुद्र, पुरुषादक, पूर्णोत्कट, भद्रगौर, उदयगिरी, काशी, मेखल, मृष्ट, ताम्रलिप्त, एक पादप, वर्धमान और कोसल, ये देश कूर्म भगवान के मुख भाग में स्थित हैं। आर्द्रा, पुनर्वसु और पुष्य, ये 3 नक्षत्र भी उनके मुख में हैं। अब कूर्म भगवान के दक्षिण चरण में जो देश हैं, उनके नाम सुनो। कलिंग, वंग, जठर, कोसल, मूषिक, चेदी, ऊर्ध्वकर्ण, मत्स्य, अंध्र, विंध्यवासी, विदर्भ, नारिकेल, धर्मद्वीप, एलिक, व्याघ्रग्रीव, महाग्रीव, त्रैपुर, श्रमश्रुधारी, कैशिकंध्य, हेमकूट, निषद, कटकस्थल, दशार्ण, हारिक, नग्न, निषाद, काव्यलालक, पर्ण तथा शबर, ये देश भगवान कूर्म के पूर्व दक्षिण दिशा वाले चरण में स्थित हैं। आश्लेषा, मघा और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वही हैं। लंका, कालाजिन, शैलिक, निकट, महेंद्र, मलय और दुर्दर पर्वतों के पास बसे हुए जनपद, कर्कोटक, वन में रहने वाले लोग तथा ब्रकु कक्ष, कोंकण, संपूर्ण आभीर प्रदेश, वेण्या नदी के तट पर बसे हुए देश, अवंती, दासपुर, आकारी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गौनर्द, चित्रकूट, चोल, कोलगिरी, क्रौंच द्वीप, जटाधर, कावेरी के तटवर्ती देश, ऋषिमुख पर्वत पर बसे हुए प्रदेश, नासिक, शंख, शुक्ति आदि तथा वैदुर्य पर्वत के समीपवर्ती देश, वारीचर कोल, चर्मपट्ट, गए बाह्य, कृष्णा द्वीपवासी, सूर्याद्री और कुमुद्रादि के निवासी, औखावन, दिशिक, कर्मनायक, दक्षिण, कौरुष, ऋषिक, तापसाश्रम, ऋषभ, सिंहल, कांची निवासी, त्रिलिंग, कुंजलदरी तथा कच्छ में रहने वाले लोग और ताम्रवर्णी नदी के तटवर्ती देश, ये भगवान कूर्म की दाई कुंक्षी में स्थित है। उत्तरा फाल्गुनी, हस्त तथा चित्रा, ये 3 नक्षत्र भी वही हैं। काम्बोज, पल्लव, वडवामुख, सिंधु, सौवीर, आनर्त, वनितामुख, द्रावण, शुत्र, कर्ण, प्राधेय, बर्बर, किरात, पारद, पांडव, पार्शव, कल, धूर्तक, हैमगिरीक, सिंधु, कालक, वैरत, सौराष्ट्र, दरद, द्राविड़, महार्णव, ये देश कूर्म भगवान के दक्षिण चरण में स्थित हैं।
स्वाति, विशाखा और अनुराधा यह नक्षत्र भी वही हैं। मणिमेघ, क्षुरात्रि, खंजन, अस्तगिरी, अपरांतिक, हैहय, शांतिक, विप्रशस्तक, कोंकण, पंचनद, वमन, अवर, तारक्षुर, अंगतक, शर्कर, शाल्मवेश्मक, गुरुस्वर, फाल्गुनक, वेणुमति निवासी, फाल्गुलुक, घोर, गुरुह, चकल, एकेक्षण, वाजिकेश, दीर्घग्रीव, सुचुलिक तथा अश्वकेश। ये देश भगवान कच्छप के पुंछ भाग में स्थित हैं। वहीं ज्येष्ठा, मूल और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र भी हैं। मांडव्य, चंडखार, अश्मक, ललन, कुशात, लढ, स्त्रीबाह्य, बालिक, नृसिंह, वेणुमति निवासी, बलवस्त, धर्मबद्ध, उलूक तथा उरुकर्म निवासी मनुष्य भगवान कूर्म के बाएं चरण में स्थित हैं। उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा की भी वही स्थिति है। कैलाश, हिमवान, धनुष्यमान, वसुमान, क्रौंच, कुरुवक, क्षुद्रवीण, रसालय, भोगप्रस्थ, यामुन, अंतरद्वीप, त्रिगर्त, आग्रिंज, अर्दन, अश्वमुख, चिबिड, केशधारी, दासेरक, वाटधान, शवधान, पुष्कल, अधम, कैरात, तक्षशिलाश्रय, अम्बाल, मालव, मद्र, वेणुक, वदंतिक, पिंगल, मानकलह, हूण, कोहलक, मांडव्य, भूतियुवक, शातक, हेमतारक, यशोमत्य, गांधार, स्वर, सागर राशि, यौधेय, दासमेय, राजन्य, श्यामक तथा क्षेमधूर्त। ये कूर्म भगवान की बाईं कुक्षी में हैं। शतभीष, पूर्वा भाद्रपदा और उत्तरा भाद्रपदा ये तीन नक्षत्र भी वही हैं। किन्नर राज्य, पशुपाल, कीचक, काश्मीरक, अभिसार्जन, दरय, अंगण, कुरट, अन्नदारक, एकपाद, खश, घोष, स्वर्ग, भौम, अनवग्द्य, यवन, हिंग, चीरप्रापरण, त्रिनेत्र, पौरव तथा गंधर्व। ये कच्छप भगवान के पूर्व उत्तर वाले चरण में आश्रित हैं। रेवती, अश्विनी और भरणी ये भी वहीं स्थित हैं। विप्रवर, उक्त देशों में क्रमशः ये ही नक्षत्र ऐसे हैं जिनके कारण मनुष्यों को पीड़ा होती है, अर्थात जब इनके साथ दुष्ट ग्रहों का योग होता है तो ये उनसे प्रभावित होकर प्रजा को कष्ट देते हैं, और उत्तम ग्रहों के योग होने पर ये वहाँ मनुष्यों को अभ्युदय की प्राप्ति कराते हैं। जिस नक्षत्र राशि का जो ग्रह स्वामी है उसी के अशुभ भाव में रहने पर उस देश के लोगों को कष्ट होता है, और वही ग्रह जब उच्च स्थानों में होता है तो शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नक्षत्रों और ग्रहों से होने वाला शुभाशुभ फल साधारणतया सब देशों में सभी मनुष्यों को प्राप्त होता है। यदि अपने नक्षत्र खराब हों अथवा जन्म के समय ग्रह अशुभ स्थानों में पड़े हों तो मनुष्य को कष्ट भोगना पड़ता है। यह बात प्रत्येक के लिए सामान्य रूप से लागू होती है। इसी प्रकार यदि नक्षत्र और ग्रह अच्छे पड़े हों तो उसका फल शुभ होता है। पुण्यात्मा मनुष्य के ग्रह यदि अशुभ स्थानों में हों तो उन्हें द्रव्य, गोष्ठ, भृत्य, सुहृद, पुत्र एवं भार्या की भी हानि उठानी पड़ती है। यदि पुण्य थोड़ा है तो अपने शरीर पर भी भय आ सकता है, और जिन्होंने अधिक मात्रा में पाप ही पाप किए हैं उन्हें तो सर्वत्र ही द्रव्य आदि तथा शरीर सभी की हानि उठानी पड़ती है। जो सर्वथा निष्पाप हैं उन्हें ग्रह आदि से कभी कहीं भी भय नहीं रहता। नक्षत्र और ग्रह से प्राप्त शुभाशुभ फल को मनुष्य कभी तो अकेले भोगता है और कभी कभी साधारणतया संपूर्ण दिशा, देश, जन समुदाय, राजा अथवा पुत्र के साथ भोगता है। जब ग्रह दूषित नहीं होते तो मनुष्य परस्पर अपनी रक्षा करते हैं, और ग्रहों के दूषित हो जाने पर उन्हें शुभ फलों से वंचित होना पड़ता है। यहाँ कूर्म भगवान के विग्रह में जो नक्षत्रों की स्थिति बताई गई है वे नक्षत्र उन देशों के लिए सामान्य रूप से शुभ या अशुभ होते हैं। अतः बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि अपने देश नक्षत्र तथा ग्रह जनित पीड़ा को उपस्थित देख उसकी विधि पूर्वक शांति करे।
साथ ही लोकवादों का भी शमन करे। आकाश से देवताओं तथा दैत्य आदि के जो शत्रु पृथ्वी पर गिरते हैं उन्हें लोक में लोकवाद कहा जाता है। विद्वान पुरुष उन सब की शांति करे, लोकवादों की भी कभी उपेक्षा न करे, क्योंकि उनकी शांति करने से ही उनके द्वारा प्राप्त होने वाले भय का निवारण होता है। लोकवादों और ग्रहों के अनुकूल होने पर शुभ फल का उदय एवं पाप का नाश होता है, तथा प्रतिकूल होने पर वे बुद्धि एवं धन आदि का नाश भी कर डालते हैं। अतः उनकी शांति के लिए द्रोह का त्याग तथा उपवास करें। देव स्थानों तथा देव वृक्षों को प्रणाम करना भी उत्तम माना गया है। जप, होम, दान और स्नान करें तथा क्रोध को त्याग दें। विद्वान पुरुष किसी से भी द्रोह न करे, सब प्राणियों के प्रति मित्र भाव रखे, दुर्वचन न कहे और बढ़ बढ़ कर बातें न बनाए। इस प्रकार मैंने भारतवर्ष में स्थित भगवान कूर्म के स्वरूप का वर्णन किया है। वे अचिंत्यात्मा नारायण हैं। उन्हीं में संपूर्ण जगत की स्थिति है। उन्हीं में संपूर्ण देवता और नक्षत्र मंडल हैं। उन्हीं के भीतर अग्नि, पृथ्वी और सोम हैं। मेष आदि तीन राशियां भगवान कूर्म के मध्य भाग में हैं। मिथुन और कर्क मुख में स्थित हैं। पूर्व और दक्षिण वाले चरण में कर्क तथा सिंह हैं। सिंह, कन्या और तुला, ये तीन राशियां उनकी कुक्षी में है। तुला और वृश्चिक दक्षिण पश्चिम वाले चरण में है। पृष्ठ भाग में वृश्चिक और धन स्थित है। वायव्य कोण वाले चरण में धन, मकर और कुंभ हैं। उत्तर कुक्षी में कुंभ और मीन की स्थिति है, तथा ईशान कोण वाले चरण में मीन और मेष राशि हैं। ब्राह्मण भगवान कूर्म के श्री विग्रह में संपूर्ण देश स्थित हैं। उन देशों में नक्षत्र हैं, नक्षत्रों में राशियां हैं और राशियों में ग्रहों की स्थिति है। अतः ग्रह नक्षत्रों में पीड़ा होने पर देशों में भी पीड़ा होती है, ऐसा जानना चाहिए। और इसकी शांति के लिए विधिवत स्नान करके दान, होम आदि का अनुष्ठान करना चाहिए।